और आप सोच रहे हो इस हफ्ते की ग्रीन वेजिटेबल कोई आई नहीं। ये देखिए मेथी लेकर आए। मैंने इस बार ना इनको ये बोला था एक ही वेजिटेबल लेकर आना ही नहीं, हरी सब पत्तेदार सब्जी में एक ही सब्जी लेकर आनी है। इस बार खीरे ले आए हैं, गाजर मैंने बोला था लाओ 2-3 किलो, पर गाजरें जो है ना अच्छी नहीं थी अभी इस समय रात के टाइम। वो कह रहे थे कलर भी अच्छा नहीं है गाजर का, तो कल सुबह ला के देंगे। गाजरें मैं मंगाऊंगी और खीरे संभाल लेती हूँ, बाकी सारा सामान संभाल दिया है। ठीक है, बस ये इसको रख देते हैं और लग जाते हैं। हेलो व्यूअर्स, आज है 23 तारीख और देखिए मैं क्या कर रही हूँ। मैंने आज ये निकाला है अपना राइस कुकर बजाज का, ठीक है, और इसको अच्छे से साफ सूफ कर लिया और इसमें डाल दिया टमाटर, इसमें डाला है हरी मिर्चा, अदरक लहसुन और एक टमाटर। ठीक है, ये जा रहे हैं इसके अंदर चुकंदर, और इसलिए बहुत सारी सब्जियाँ काट के मैंने रखी हुई हैं, ये डाल ली इसके अंदर। अभी मैंने इसको ऑन नहीं करा, मैंने कहा पहले सारी चीज़ें डाल लेती हूँ बाद में ऑन करती हूँ। इनको मैंने पहले भी धो लिया था, मतलब धो के फिर काटा है, काट के फिर दोबारा एक बार धो लिया है। मैंने कहा चलो इसको एक बार अच्छे से धो लेते हैं दोबारा। इसमें बहुत सारी सब्जियाँ डाली जो मेरे पास थी, आपको दिखी नहीं होंगी, आलू है, मटर, ये आपके वो हैं शलगम है, गाजर है, और मेरे पास वो ब्रोकली का बैक साइड का डंठल होता है वो मैंने छील के धो काट के धो के मतलब डाल दिया है, और मैंने चुकंदर भी डाले हैं इसमें। चुकंदर की वजह से अच्छा कलर आता है, अगर मैं चुकंदर नहीं डालती ना तो उसका कलर थोड़ा वो मतलब येलो या येलो सा रहता है, तो वो बच्चों को पसंद नहीं आता है उनको वो, और चुकंदर जो है वाला कलर चुकंदर डालो तो तभी ज़्यादा पसंद आता है बच्चों को। चुकंदर वैसे भी अच्छा होता है सेहत के लिए। ठीक है, चलो ये सारा कुछ डल गया है, अब मैं इसमें क्या डालूँ। अभी मेरे इसमें मटर डालने हैं मुझे, और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालना है और इसको बॉयल होने के लिए रखना है। चलो पहले हम लोग इस मटर डाल दिए मैंने इसमें, इसको ऑन भी कर दिया है, लाइट जल गई है इसकी, देखिए ऑन हो गया है। अभी आराम से स्लोली स्लोली पकता रहेगा, तब तक हम और काम कर लेते हैं, इसको कवर करके रख देते हैं। हाँ, इसमें मैंने हरी मिर्च डाली है एक बड़ी और दो छोटी डाली हैं। अभी इसमें आंवले डालने थे वो मैं भूल गई, अभी मैं इसमें आंवले भी ऐड करती हूँ, 3 आंवले डाल रही हूँ। आंवले वैसे भी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, तो बस इसे पकते रहेंगे तब तक हम और काम। अभी और इसको पकते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैं गैस बंद करी है, गैस नहीं मतलब इसका स्विच ऑफ कर दिया है। ये देखिए कितने अच्छे से पक गए हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, जब ठंडा होगा ना तो इसको सारे को ग्राइंड कर लेंगे। तब तक मैं कोई और काम कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, धनिया छांट रही हूँ। ये देखिए इसमें जो गंदा धनिया निकाल के अलग कर, ये देखिए मैंने एक दो दिन पहले, दो दिन हो गए इनको, मैंने हरी साबुत मूंग की दाल को धो के अच्छी तरह 3-4 पानी फिर मैंने इसे सोख करके रखा था। थोड़े थोड़े अंकुरित हुए, अभी ज़्यादा नहीं हुए, क्योंकि आजकल ठंड है ना, जल्दी नहीं हो रहे, नहीं तो 1 से 2 दिन में, 1-1.5 दिन में हो जाते हैं, और आजकल सर्दी की वजह से हो नहीं रहे। पर फिर भी चलो मैं कहीं ना कहीं इसको थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करती रहूँगी। अभी स्वाति के लिए मैंने वो बनाई थी, क्या कहते हैं, आज वर्मा चिली बनाई थी, उसमें भी डाल दिए थे। ताज़ा धनिया आ गया, आज वीर बाजार है, सामान आ रहा है अभी, तो टमाटर लेकर आए थे वो मैंने डाल दिए, और बाकी जो है बस काम कर रही हूँ मैं, सामान दे रहे टमाटर डाल दिए मैंने टोकरी में। तो मैंने कहा जब तक ये और सामान लेने गए हैं ना, तब तक मैं ज़रा वैसे मैंने पानी रखा हुआ है गर्म, इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाला था, ये मेरे पास ना हक्का नूडल्स पड़े हुए हैं ये वाले, मैं ये तोड़ के इसमें डाल रही हूँ हक्का नूडल्स, ये थोड़े से वो सारी सब्जियाँ जो मैंने बॉयल की थी ना वो सारी मैंने इसमें निकाल ली थी ठंडी होने के लिए। ये ठंडी होगी तभी इसमें ये मिक्सर ग्राइंडर रखा है इसमें अब डाल के ग्राइंड करनी है। इधर पानी उबल रहा है, इसमें मैं जल्दी से अपने हक्का नूडल्स डाल देती हूँ, इसको बॉयल करके साइड में रख देती हूँ। ठीक है, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। ये मेरा पानी इसका बचा ही हुआ है, और ये मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया है, डाल दो इसके अंदर ही, ये देखिए एक बार और करना है ग्राइंड को, अच्छे से निकाल लेती हूँ पहले मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। लीजिए व्यूअर्स, दूसरी बार इसमें डाल दिया, अब दूसरी बार ग्राइंड करके लाती हूँ। एक बार और करना है, 3 बार में होगा, मतलब काफ़ी सारी क्वांटिटी है ना, तो 3 बार में होगी, करके लेके आ। लीजिए दूसरी बार कर लिया, डाल लेती हूँ इसके अंदर बहुत सारी सब्जियों का असर है इसमें। यही हमारा आज रात का डिनर है, और कुछ खास नहीं बनाने वाली है, इससे मेरे ख्याल से पेट भर ही जाएगा हमारा। ये लीजिए सारा कुछ ग्राइंड करके डाल दिया, 3 बार करके डाल दिया है। ठीक है, ये देखिए जी हमारा सूप। अब इसको हमने इसमें मिर्च डली हुई थी, तो इसमें हमने बेसिक मसाला नमक डाल देते हैं। ठीक है,
मेरा तो डलिया तो दोबारा नहीं डालती मैं, कम ना मतलब एक बस मैं चाट मसाला डालूंगी, क्योंकि सूप में ना सब्जियों का स्वाद आना चाहिए, यानी कि बहुत सारे मसालों का स्वाद आ रहा है। चाट मसाला डाल देते हैं उधर, ये जैसे ही बॉयल आएगा तो मेरे वो हक्का नूडल्स भी बन के तैयार है, वो मैं इसमें डाल दूंगी अच्छे से, फिर एक बॉयल दिलवाएंगे और फिर हमारा ये सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगा। हाँ देखो कि इसमें मैं बड़े जब सूप बनाना होता है ना, या मेरी आदत है हांडी में बनाती हूँ, मिट्टी वाली हांडी में, या फिर मैं इसमें बनाती हूँ, क्योंकि इसमें क्वांटिटी अच्छी बन जाती है। और ये अब डिनर है रात का, तो इसी से पेट भरना है हमको। ठीक है, स्वाति आई थी देखकर चली गई, कह रही क्या बनाया उसने, ये तो देखा नहीं, वो नूडल्स देख लिए, कह रही नूडल्स क्यों बनाए, अब देखा तो सूप में डालने के लिए बनाए। तो चलो इसको अच्छे से पहले बॉयल होने दे, ढक के रख देती हूँ, और जब बॉयल होंगे तो मैं नूडल्स इसमें डाल, तक उसमें बॉयल आ रहा है तब तक मुझे क्या करना है, ये देखिए सब्जियाँ आ गई वीर बाज़ार से, आलू मंगवाए थे मैंने, मिट्टी वाले आलू अच्छे हैं, सब पता लगेगा ज़मीन से निकले हैं, नहीं तो पता क्या होता है, आजकल साफ आलू आते हैं ना वो तेजाब से धोए होते हैं। तो उसके बाद ये धनिया आ गया मेरा, खूब सारा यूज़ होता रहेगा आराम से, पुराना धनिया मैंने एक अलग डिब्बे में रख दिया, अभी फ्रेश धनिया अलग डिब्बे में रखूँगी, तो पहले पुराना वाला यूज़ होगा उसके बाद नया वाला। घी आ गया, प्याज आ गए, ठीक है, अभी एक दो चीज़ें और लेनी है, वो लानी है, वो लेने के लिए गए हुए हैं वो, तो चलो मैं पहले सब्जियां संभाल लेती हूँ जब तक उसमें बॉयल भी आ जाएगा। चीज़ें भी सारा फट्टा क्लीन कर दिया मैंने, सारी सब्जी सांभी गई है, ये देखिए, ठीक है। बस अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सूप में अच्छे से बॉयल आ गया है, इसको मैंने थोड़ा सा निकाल कर टेस्ट किया था, तो मुझे इसमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, वो डाला है, थोड़ा चाट मसाला डाला है ताकि थोड़ा तो अच्छा हो, और उसके बाद मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा मैगी मसाला, आधा पैकेट के करीब, छोटा सा पैकेट आता है ना जो, वो 5 रुपये वाला, वो आधा पैकेट, आज सुबह आधा पैकेट मैंने उसमें यूज़ कर लिया था, ले लीजिए। तो नूडल्स में सारे अच्छे से निकाल कर डाल देती हूँ अभी, बस अब इसको थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं एक बार और, बस 2-3 मिनट, क्योंकि नूडल्स तो पहले ही पके हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सब देखिए पूरा भर के बन गया मेरा, ये देखिए बस तैयार है ये हमारा, आज रात का डिनर तैयार है ये, वो वाला निकाल के भी डाल लेती हूँ और फिर सर्व करती हूँ। 5 मिनट व्यूअर्स, हमारा सूप तैयार है, इसमें बॉयल आ गया है, अब हम इसको बंद कर देते हैं, और ये काफ़ी देर इसमें गर्म भी रहता है, ऑटोमेटिक है ना, तो ये इसमें काफ़ी देर गर्म भी रहता है, मैं इसको ऑफ़ कर रही हूँ पीछे से, ये लीजिए यहाँ से भी ऑफ़ कर दिया, अब इसका कवर दे के इसको रख देते हैं, इसको सर्व कर देते हैं, काम हमारा ख़त्म।